क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने माइग्रेशन स्किल्स की कमी को दूर करने की ठान ली है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार लोगों को ट्रेंड करने की लॉन्गर टर्म पॉलिसीज़ के लिए यूनियंस के साथ एक उभरती डील के हिस्से के रूप में अल्बनी सरकार अक्टूबर के बजट में अर्जेंट स्किल और लेबर की कमी को दूर करने के लिए माइग्रेशन बढ़ाएगी। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल ए टू जेड इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। अगले महीने की शुरुआत में होने वाले सरकारी नौकरियों और स्किल्स समिट की पहली प्रायोरिटी एक बड़ा सौदा है, जो बिजनेस और यूनियन आंदोलन दोनों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करेगा। ट्रेजरर जिम चार्मर्स के अनुसार, समिट का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ज्यादा लोगों को नौकरी की अपॉर्चुनिटीज तक पहुँच मिले। माइग्रेशन प्रोग्राम में वृद्धि और इसकी बनावट में बदलाव यूनियन ट्रेनिंग मांगों को पूरा करने पर निर्भर होगा। माइग्रेशन के बदलाव अभी भी फाइनलाइज्ड होने बाकी हैं, जो 25 अक्टूबर के बजट में पेश किए जाएंगे, जबकि जॉब समिट में सहमत कुछ लॉन्ग टर्म बदलावों को एक सफ़ेद पत्र में फीड करके उन्हें बाद के बजट्स में ठीक किया जाएगा। शोषण से बचने के लिए ऑस्ट्रेलियन वर्कर्स यूनियन जॉब समिट में सुझाव देगा कि कंपनियों को हर स्किल्ड माइग्रेंट के लिए एक ऑस्ट्रेलियन वर्कर को ट्रेन करना होगा और यह कि माइग्रेंट को रेलेवेंट यूनियन का डिफॉल्ट मेंबर बनाया जाए। माइग्रेशन पर यूनियंस के साथ एक समझौते पर पहुंचने के लिए डॉक्टर चार्मर्स ने इकॉनमी की सुधार में नाटकीय बदलाव के लिए ACTU की मांग से लेबर को दूर कर दिया और यह पूछे जाने पर कि क्या अल्बनी सरकार इस हफ्ते ACTU द्वारा प्रस्तावित कुछ एडजस्टमेंट्स की जांच करेगी, डॉक्टर चार्मर्स ने कहा कि सुझाव लेबर के मूल्यों के साथ इनकंसिस्टेंट थे। उन्होंने कहा कि ACTU द्वारा दिए गए बहुत से सुझाव हैं जो सरकार की पॉलिसीज में शामिल नहीं हैं, लेकिन यह कहना बहुत अजीब होगा कि समिट में सिर्फ उन विचारों के साथ आएं जो सरकार द्वारा पहले से ही अप्रूव्ड हैं। समिट की भावना यह नहीं है, लेकिन वे समिट में यूनियंस और बिजनेसेस और अन्य प्रायोरिटीज के बारे में चर्चा का स्वागत करते हैं। ACTU चाहता है कि RBA पूरी एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के मैनेजमेंट में ज्यादा कॉमनवेल्थ इन्वॉल्वमेंट की मांग कर रहा है, जिसमें रेगुलेटेड हाउसिंग लोन, प्राइस कंट्रोल्स और स्टेज 3 की टैक्स कटौती शामिल है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।